नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द होप उत्तराखंड में। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो बात करते हैं दोस्तों सबसे पहले अपडेट की, जो कि है इंटरमीडिएट स्तर की परीक्षा की तिथि बदली। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने कनिष्ठ सहायक के 746 पदों पर भर्ती के लिए होने वाली परीक्षा की तिथि बदल दी है। अब यह परीक्षा 31 अक्टूबर को कराई जाएगी। आयोग के सचिव संतोष बड़ूनी ने बताया कि 25 अगस्त को उन्होंने 5 परीक्षाओं की तिथियां घोषित की थी। इनमें से 2 परीक्षाएं आयोजित की जा चुकी है, तीसरी परीक्षा इंटरमीडिएट स्तर की है, जो कि विभिन्न विभागों में कनिष्ठ सहायक के 746 पदों पर भर्ती के लिए होगी। उन्होंने बताया, चूंकि 24 अक्टूबर को पर्याप्त परीक्षा केंद्र उपलब्ध नहीं हो पाए, इसलिए अब वह परीक्षा 31 अक्टूबर को प्रदेश भर में आयोजित की जाएगी। जल्द इसके एडमिट कार्ड भी जारी कर दिए जाएंगे। तो 746 पदों पर यह भर्ती की परीक्षा दोस्तों 31 अक्टूबर से शुरू होने वाली है। बात करें दोस्तों अगली अपडेट की, तो शिक्षक भर्ती में BEd TET की लॉटरी। बेसिक शिक्षक भर्ती में DLED के कोटे के 40% पद भी BEd TET के प्रशिक्षितों के खाते में आने जा रहे हैं। बाटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री से ग्रेजुएट अभ्यर्थियों की संख्या बेहद कम होने की वजह से इन पदों को BEd TET की मेरिट से भरा जाएगा। बाकी यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों इसके मानक क्या है। उत्तराखंड में वर्तमान में बेसिक शिक्षकों के 2200 से ज्यादा पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है। सेवा नियमावली के अनुसार DLED प्रशिक्षितों की नियुक्ति के मानक निर्धारित हैं। इसके अनुसार 50% पद विज्ञान वर्ग के और 50 कला वर्ग के लिए तय हैं। विज्ञान वर्ग में 40% पद फिजिक्स और गणित विषय के साथ साथ ग्रेजुएशन करने वालों के लिए हैं। इतने ही पद बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री के ग्रेजुएट के लिए हैं। बाकी 20% इन विषयों से इतर विज्ञान विषय से ग्रेजुएशन करने वालों के लिए है। तो 2200 से ज्यादा बेसिक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया चल रही है राज्य में। DLED कोटे में बायोलॉजी और केमिस्ट्री वर्ग में नहीं मिल पा रहे हैं योग्य अभ्यर्थी, और BEd TET की मेरिट से भरे जाएंगे DLED कोटे के पद, फॉर्मूला निर्धारित। और अगली खबर है दोस्तों, प्रवक्ता भर्ती प्रक्रिया का मामला पहुंचा हाईकोर्ट। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की प्रवक्ता भर्ती प्रक्रिया में गणित विषय के अभ्यर्थियों का परिणाम विवादों में घिर गया है। भर्ती प्रक्रिया में शामिल एक अभ्यर्थी ने कोर्ट में याचिका दायर की है। इसके तहत भर्ती प्रक्रिया नहीं कराए जाने का आरोप लगाया है। कोर्ट ने सुनवाई के लिए इस याचिका की स्वीकार कर लिया है। राज्य लोक सेवा आयोग की ओर से पिछले वर्ष 10 अक्टूबर को प्रवक्ता के 544 पदों पर विज्ञप्ति जारी की गई थी, जिसमें गणित के 30 पद शामिल थे। आयोग की ओर से लिखित परीक्षा के परिणाम तथा वरीयता सूची जारी की गई। याचिकाकर्ता के अनुसार 2013 की नियमावली के नियम 25 के अनुसार प्रक्रिया में अनुपात का नियम 1:15 होना चाहिए था, लेकिन यह अनुपात 1:9 किया गया है। गणित में 30 पदों के सापेक्ष 274 अभ्यर्थियों को सूचीबद्ध किया गया। तो एक और भर्ती प्रक्रिया भी कोर्ट की भेंट चढ़ गई है। तो ये थी दोस्तों आज की अपडेट। मिलते हैं ऐसी अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टिल देन बाय बाय।